पॉइंट क्या है। तो देखो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखो, पॉजिटिव वैल्यू ग्रुप का स्टेटमेंट क्या होता है, क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है स्टेट एंड ग्रुप पॉजिटिव वैल्यू थ्योरम, और यदि लॉन्ग में आएगा तो ऐसे आएगा स्टेटमेंट पॉजिटिव वैल्यू थ्योरम, और उसके साथ आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन करने से पहले हम इस तरफ आएंगे, आपको पहले पॉजिटिव वैल्यू थ्योरम का इंट्रोडक्शन देंगे कि आखिर ये थ्योरम में होता क्या है। तो देखो इफ टू फंक्शन एफ एंड जी, अब आपके लैग्रेंज और रोल थ्योरम में एक फंक्शन होता था, लेकिन यहाँ पे आपके कितने फंक्शन रहेंगे, तो एफ एंड जी, उसमें रहता था इफ एफ दिया फंक्शन, मतलब एफ कोई फंक्शन है। तो देखो इफ टू फंक्शन एफ एंड जी आर, तो दोनों फंक्शन आपके क्या होंगे, कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, ए और बी में दोनों इंटरवल होंगे आपके, और जी एक्स, ये दो
इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। अगर तो देखो इधर से मैं जो वैल्यू इक्वेशन बनेगी वो हमें बनेगी माइनस का 5c स्क्वायर प्लस 6c प्लस का 1 बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3c स्क्वायर माइनस का 5c प्लस 1। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू किससे निकालेंगे, धराचार के फॉर्मूले से निकलेगी। देखो श्री धराचार का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो देखो क्या होगा, माइनस b कितना है 5 प्लस माइनस, और इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो अंडर रूट 13 अपॉन 6। ये किसकी वैल्यू निकल आएगी, आपकी सी की वैल्यू निकल आएगी। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन को पहले थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले इंटरवल दिया जाएगा आपको, जो फंक्शन का अंदर मल्टीप्लीकेशन हमने किया, ये फंक्शन बनाया, फंक्शन का डिफ्रेंशिएट किए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद सीधी क्वेश्चन में मैंने थ्योरम लगाई, उसमें वैल्यू करने पड़ते हैं। तो आप थ्योरम को देखिए, इसके क्वेश्चन लगाइए, एक दो क्वेश्चन आप भी ट्राई कीजिए, जिससे आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं।